वेलकम टू हेमंत स्टडी सर्किल, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि अंक प्रणाली। ये आरआरबी एनटीपीसी के मैथ के सिलेबस का पहला चैप्टर है, अंक प्रणाली। तो इसमें अंक प्रणाली में पढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी दोस्तों को बता दीजिए जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं और देना चाहते हैं भविष्य में। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन में हमने पढ़ा है कि एक लाइन पहले खींचते हैं, पहले वहां से, तो यहाँ से एक जीरो होता है, 1 2 3 4 ऐसे करते जाते हैं, फिर इधर आते हैं -1, यहाँ से -2 -3। तो देखिए यहाँ से ऐसे जाते हैं, फिर जो यहाँ से यहाँ तक का नंबर होता है इनफाइनाइट तक, ये हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाता है। क्या? प्राकृतिक संख्या, या तो इंग्लिश में कहें नेचुरल नंबर। फिर अगर हम जीरो से लेकर यहाँ तक इनफाइनाइट तक जाएं तो ये हमारा होल नंबर कहलाता है यानी कि पूर्ण संख्या। और अगर हम यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से और प्लस इनफाइनाइट तक यानी कि पूरे जो ये सीक्वेंस ले, मतलब पूरा जो नंबर लाइन ले, तो इसको हम कहते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर। इन सब का ये थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, जनरल नॉलेज, इसको हम देख लिए। अब आगे देखते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, मतलब जो दो नंबरों को लेकर ही बनता है रेशनल नंबर, जैसे पी बाई क्यू के रूप में होता है, और जहां क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होगा तभी रेशनल नंबर है, यानी कि बट्टे को ही रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे बट्टे का जोड़ घटाना करते हैं, वो सब रेशनल नंबर का ही जोड़ घटाना होता है। तो चलिए अब देखते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वे संख्याएं होती है रियल नंबर सिस्टम में, जो नंबर सिस्टम है हमारा वो संख्याएं होती है, जैसे 2 संख्या, क्या क्या हो सकता, 2 5 7, ये वो संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से कटती हैं और या एक से, यानी कि एक से और इट सेल्फ यानी कि स्वयं से कटती। तो जैसे देखिए 2 क्या है, या तो एक से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा इट सेल्फ, या 5 कह लीजिए ये भी एक से कटेगा या तो खुद से। तो ये प्राइम नंबर होते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर वे होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते। तो प्राइम नंबर इन सबको छोड़ा के वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो जैसे 4 कह सकते हैं, 10 कह सकते हैं, और क्या 15 कह सकते हैं, ये सब प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर 2 × 2, या 2 से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है, ये 2 से और 5 से, ये किससे, 2 से, 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, ये सब कट सकते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। को प्राइम, तो हमको इसमें पेयर में लेना है दो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ऐसे नंबर लेना, पहले प्राइम नंबर की बात छोड़िए, दो ऐसे नंबर लीजिए जिसका हमको फैक्टर 1 मिले। तो जैसे मान लीजिए हम 2 और 5 लेते हैं, तो ये इन दोनों को डिवाइड कौन कर सकता है, 1 कर सकता है। अगर मान लीजिए हम 2 और 4 लेते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड कौन कर सकता है, 2। तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, केवल ये को प्राइम नंबर। तो ऐसे को नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 आए तो वो को प्राइम नंबर कहलाता है। देखिए नंबर सिस्टम में हमको वी बॉडमॉस का भी नियम पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है। तो देखिए पहले वी बॉडमॉस में, पहले ये जो है वी से यानी कि ये जो वैक्लिन है, विनक्लन है, इसको हम बार यानी कि बार कहते हैं। तो पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बी यानी कि ब्रैकेट, तो सबसे बड़ा ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट के नंबर सिस्टम को हटाएंगे, तो यानी कि जो सबसे बड़ा ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। फिर ऑफ, जो मल्टीप्लिकेशन है, देखिए ऑफ दिया है। फिर डी यानी कि डिवीजन, जहां कहीं भी देखिए डिवीजन, उसको पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन, जहां जहां मल्टीप्लिकेशन है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद ए एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, तो इसको फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है, बार यानी कि विनक्लिन। तो देखिए सबसे पहले हम बार सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, तो पहले इसको जस के तस उतारते हैं, पहले 7 ऑफ ऑफ लिखते हैं ऑफ। फिर तो देखिए इस ब्रैकेट में हमारा एक बार है, तो बार को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 + 8 × 1 हो गया, ये प्लस हो गया 1/5 भगे 7/25 -3/7 + 8/14। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये देखिए 1/3/7 ऑफ ऑफ का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और यहाँ से जो ब्रैकेट है इसमें क्या होगा, 8 × 8 यानी पहले मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद एडिशन है, 8 × 6 = 14 यानी गुणे, यहाँ से 14 हो गया, यहाँ से प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1/5। ये देखिए क्या है,
भागे हैं, तो भागे को हम अगर जो ये बट्टे में है तो इसको पलट सकते हैं, तो ये गुड़े में बन जाएगा एन 25/7, ये माइनस, ये देखिए ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में एडिशन है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा, यहाँ 7 दूनी तो 2 3 6, यहाँ से 2 बार जाएगा 2 3 6, और ये क्या हो जाएगा सॉरी 8, यानी 2/8, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो देखिए इसको सॉल्व किए तो 1 आ गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके बाद हम 1/3 यानी कि 1/3/7 और आप आपको हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन लिख दिए हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन प्लस 1/5, यहाँ से देखिए ये 5 से 5 बार में कट गया, तो यहाँ से 5/7-1, फिर इसको एक बार और लाइन में, अगली लाइन में क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 7 × 14 और फिर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 1/6 प्लस यहाँ से जब हटाएंगे तो क्या बच जाएगा -2/7, ये बचा आपका, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा इसको जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, 6 से भाग दे रहे हैं और ये माइनस, क्योंकि ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस आएगा, और फिर यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 42 एलसीएम, यहाँ से जब कैलकुलेशन 6 7 यहाँ से हो गया 12, अब यहाँ से क्या हो गया -5/42। तो इस प्रकार से हम बॉडमॉस के नियम लगा कर सॉल्व करते हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए पूछ रहा है कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो जब दो परिमेय व्यंजक यानी कि जो परिमेय व्यंजक दिए रहे रेशनल नंबर, तो इन दोनों को देखना है कि कौन बड़ा है इन दोनों में, तो हमको एक बटरफ्लाई का नियम याद, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम सीधा सा सिंपल ट्रिक करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ 14 से 5 से गुणा करते हैं तो ये 70 आ गया, और ये 8 और 9 से गुणा करते हैं तो क्या आ गया 72। तो अब इसमें देखिए कौन सा नंबर बड़ा है आपको, यानी कि 72 बड़ा है, तो इस प्रकार से इसमें ग्रेटर देन लगा दिए चिन्ह, यानी कि 9/14 बड़ा है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। है ये बहुत ही ढांसू ट्रिक, मान लीजिए 3 परिमेय व्यंजक दे दिए तो तब कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले एनालिसिस करेंगे कि देखिए इसमें जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या हो रहे हैं, देखिए न्यूमिनेटर एक एक बढ़ता है, फिर डिनोमिनेटर एक एक बढ़ता है, मतलब जो बढ़ रहा है यानी कि एक एक इंक्रीज हो रहा है इसे ऊपर से और नीचे, तो यानी कि जो लास्ट आएगा वही सबसे बड़ा होगा, तो इस सिंपली इसमें 5/6 बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ फार्मूले दिए गए हैं, ये नेचुरल नंबर किसको, ये सब फार्मूला सम का है, तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फार्मूला n n+1/2, अब फर्स्ट एन ऑड नंबर एन स्क्वायर, फर्स्ट एन इवन नंबर n × n+1, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फार्मूला ये होता है। तो मान लीजिए हम पहले का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम क्या फर्स्ट आप नेचुरल नंबर का क्या होगा 1 2 3 मान लीजिए, कहाँ तक हम ले रहे हैं 105 तक ले रहे हैं, तो क्या यानी कि n क्या हो गया 105 हो गया, तो फार्मूले पर रखते हैं तो यानी कि 105 और 1 यानी कि 106/2 हो गया, तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 5/5/6, तो ये देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ से देखेंगे तो कितना टर्म है, यहाँ जोड़ते जोड़ते आप थक जाएंगे, और ये सिंपल फार्मूला से आप याद कर सकते हो। मान लीजिए क्या बोलते हैं कि हमको n ऑड नंबर का टर्म लेना, जैसे 1 3 5 + 7, तो ये देखिए इसमें 4 ही नंबर थे, यानी कि n 4 नंबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर, ये आपका इसका सम हो गया। अब मान लीजिए हम इवन नंबर का सम लेना हो तो क्या करेंगे, तो जैसे देख लीजिए इवन नंबर क्या क्या होते हैं 2 4 + हम डॉट 100 तक ले रहे हैं, तो इसमें कितने टर्म आ रहे हैं, तो 50 टर्म आ रहे हैं, यानी कि n बराबर 50, तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, यानी कि 50 और 51, यानी 50 × 51, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2550। और मान लीजिए ये सम ऑफ फर्स्ट एन क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर स्क्वायर, अब तो मान लीजिए 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए 10 तक हम स्क्वायर ले, तो इसका क्या होगा, तो जब फार्मूले पर रखेंगे तो फार्मूला ये क्या है 10, यानी कि 10 है, तो पहले 10 हो गया, और फिर 10 × 11 हो गया गुणे, फिर 10 यानी कि 10 × 20 और +1 क्या यानी कि 21 और अपान क्या है 6, तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका कैलकुलेशन करने पर 385 आएगा। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ट्रिकदार है, आप इसको याद कर लीजिए। तो देखिए
स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो देखकर स्टूडेंट घबरा जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही आसानी से हो सकने वाला क्वेश्चन है क्योंकि ये ट्रिक पे बेस्ड है। तो ट्रिक क्या है इसमें, जो भी ये हमारा नंबर है 6 दिया है तो इसका हम पहले फैक्टर करेंगे। वो फैक्टर क्या होना चाहिए, जो दो फैक्टर आएंगे तो वो उसमें डिफरेंस 1 का होना चाहिए, केवल कितना 1 का। तो देखिए 6 का डिफरेंस क्या है, 2 × 3 तो है ना, यानी कि 6 का डिफरेंस 3 और 2 है। तो जो भी इन दोनों में नंबर बड़ा है, जो भी दोनों में नंबर बड़ा है वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें देखिए ये 3 बड़ा है, अगर माइनस रहता, यही सब जहां जहां प्लस प्लस है वो माइनस रहता, तो इसमें जो छोटा नंबर है वो हमारा हो जाता 2। तो देखिए 12 को कैसे लिख सकते हैं, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3। तो देखिए इसमें 4 बड़ा है तो यहाँ पर 4 हो गया, अगर जो यहाँ पर माइनस माइनस रहता 12 रूट में माइनस, तो यहाँ पर हमारा 3 हो जाता। अब देखिए ये कमाल का क्वेश्चन है, 5√5√5। तो रूट को अक्सर हम अमूमन क्या लिखते हैं, रूट को हम 1 पावर कुछ भी रहता है उसके 1/2 लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लास्ट वाला सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या है 5 की पावर 1/2, फिर उसके भी पावर 1/2 5 ही है तो यानी कि क्या गुणे हो जाएगा 1/2, और फिर उसके बाद क्या है 1/2। तो इसका तीनों मल्टीपल कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए मल्टीपल में न्यूमिरेटर का गुणा न्यूमिरेटर से और डिनोमिनेटर का गुणा डिनोमिनेटर से, तो 1/8 आ गया। तो देखिए सिंपल सा बहुत ट्रिक है। तो देखिए इसका कैसे करेंगे, 3 है और कितनी बार है रूट यहाँ पर, सॉरी 3 है तो 3 बार रूट है, यानी कि 1/3 × 1/3 × 1/3। तो ये क्या हो गया 3 के पावर 1/27। देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को कहें, हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू।